फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये समय जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है कि MCX कॉटन में अब कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तो बजट में कपड़ों को सस्ते करने के ऊपर भी बात कही गई थी कि कपड़े सस्ते हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी में गिरावट आ सकती है, कटौती की जा सकती है, तो क्या इसका असर कॉटन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? जी पॉसिबल है। आज के सेशन में हमने गर्मी आते हुए देखी है प्राइसेस में, और खास करके जो 37,500 के करीब के स्तर थे उसके आसपास ही हम देख रहे हैं प्राइसेस अभी भी रेजिस्टेंस ले रही है। हालांकि 37,800 तक भी गई थी लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बाइंग भी संभल कर करनी चाहिए क्योंकि करेक्शन आ सकती है। हालांकि उसका जो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा वो 37,200 के नीचे होगा नियर मंथ के हिसाब से। अगर 37,200 के नीचे प्राइसेस फिसल जाती है तो ये करेक्शन गहराएगी और लगभग 36,700 से 36,600 तक के स्तर भी देखने मिलेंगे। तो क्योंकि हम पोजिशनल बेसिस पे भी कुछ हद तक कुछ जो महत्वपूर्ण टारगेट्स है वो डन कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉशन होना चाहिए। और साथ ही अगर 37,200 के नीचे दाम फिसलते हैं तो अगर बाइंग पोजिशन है तो उसमें से एक बार निकला जा सकता है। जी।